आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं LIC स्टॉक के बारे में। जैसा कि हमने आपको हमेशा से अवेयर किया है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए इस स्टॉक में बाय ऑन डिप्स करने की गलती नहीं करनी चाहिए। ओवरऑल आज का वॉल्यूम 40 लाख के आसपास का है और आज एक बड़ी खबर इस स्टॉक को लेकर के ट्रेंड होते हुए दिख रहा है। बड़ी खबर ये है कि इसके जो एंकर इन्वेस्टर थे और उनका जो लॉकिंग है वो आज के दिन खत्म होते हुए दिखा है और एंकर इन्वेस्टर ने लगभग 60 मिलियन शेयर्स बाइंग किया हुआ था। तो ओवरऑल इस स्टॉक में शॉर्ट टू मीडियम टर्म में और भी प्रेशर दिख सकता है और जैसा कि देखेंगे कि इस समय ये स्टॉक 677 के आसपास ट्रेड हो रहा है तो इसके डाउन ट्रेंड 550 और 600 के आसपास तक के लेवल्स भी दिख सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ट्रैप हैं, आपकी बाइंग अबव 850 के आसपास की है तो बाय ऑन डिप्स करने की गलती नहीं करें। हालांकि अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा कि 580 से लेकर के 600 तक का प्राइस एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा, एक आइडियल बाइंग रहेगी उन सभी व्यक्तियों के लिए जिनका होरिजन मोर देन 6 मंथ टू 1 ईयर के आसपास के लिए है, तो इजीली वहां से 10% के आसपास तक का रिटर्न आपको श्योरली दिख सकता है। लेकिन इस समय बाय ऑन डिप्स, एवरेज आउट या फिर फ्रेश बाइंग करने की गलती बिल्कुल नहीं करें, जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के होरिजन प्रोस्पेक्टिव से